मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को बिहार से पटियाला जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंजू वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्या उनका प्रभाव है इसलिए पुलिस ने अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। बिहार में ये क्या हो रहा है, घटना के 3 महीने तक मंजू वर्मा कैबिनेट मंत्री बनी रही, ये बहुत शॉकिंग है। तो जिस तरह से शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसे सब कुछ चौंका दिया था। क्या कुछ ब्रजेश ठाकुर की ओर से किया जा रहा था, कैसे मिलीभगत थी, वो एक कड़ियां सामने आ रही थी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन बेहद हैरान है मंजू वर्मा को गिरफ्तार नहीं करना, साथ में जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके 3 महीने तक उनको कैबिनेट मंत्री बनाए रखना, ये सब कुछ बहुत चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे मामले पर सख्ती दिखाई है और किस तरीके से ये कहा है कि बिहार से पटियाला जेल ट्रांसफर किया जाए ब्रजेश ठाकुर का, यानी कि जहां पर अभी है वहां से ट्रांसफर किया जाए। तो पटियाला अब भेजा जाएगा ब्रजेश ठाकुर को। जिस तरीके से सख्ती दिखाई गई है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पटियाला जेल ट्रांसफर कर दिया है और सीधा सीधा पूछा है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, क्या कोई प्रभाव है इसलिए नहीं की गई। बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मामले के सामने आने के 3 महीने तक वो अपने पद पर बनी रहती है, इसको लेकर भी सीधा सीधा सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और बेहद महत्वपूर्ण जिस तरह से मामला सामने आया था उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए थे बिहार सरकार पर भी, किस तरीके से शेल्टर होम चल रहा था, क्या कोई निगरानी नहीं थी, और ऐसे में कई चीजें सामने आई थी जिसने कहीं ना कहीं पोल खोली थी बिहार की भी और सरकार को लेकर के भी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में, घटना में 3 महीने तक मंजू वर्मा कैबिनेट मंत्री बनी रही, ये बहुत शॉकिंग है। तो आपको बताते हैं जब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया था उसमें आपको बताया कि ये पूरा शेल्टर होम जिसमें बच्चियां रहती थी ये दरअसल ब्रजेश ठाकुर की निगरानी में ही चलता था। और उसके बाद जब एक एक करके कड़ियां खुलनी शुरू हुई तब पता लगा कि किस तरह से शेल्टर होम में गंदा खेल खेला जा रहा था, बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा था वो सबके सामने आया था। सुमित है इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुप्रीम कोर्ट से। सुमित मुझे बताइए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की है इस पूरे मामले को लेकर के, और क्या एक तरीके से कहीं अर्जी दी गई थी कि पंजाब में पटियाला जेल ट्रांसफर किया जाए ब्रजेश ठाकुर को। देखिए इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की मॉनिटरिंग खुद कर रहा है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और कोर्ट ने साफ किया है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल यानी कि जो सीबीआई इस मामले में जांच करी है वो स्वतंत्र जांच के लिए ब्रजेश ठाकुर का बिहार में रहना सही नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल जो है वो ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यहाँ कड़ी फटकार लगाई है और जो कैबिनेट मंत्री है मंजू वर्मा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल बिहार सरकार से पूछे हैं और कोर्ट ने कहा कि धार चेक मामले में मंजू वर्मा की जो अग्रिम जमानत है वो पटना हाईकोर्ट से खारिज हो जाने के बाद अब तक मंजू वर्मा को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इस बाबत जो है जवाब तलब जो है बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया है और कल इस मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आर्म्स एक्ट मामले में 9 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत ठुकरा दी थी। यही सवाल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन में कहा कि बिहार में ये क्या हो रहा है और जो भी अब तक जो तथ्य आए हैं वो काफी शॉकिंग है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से दिया है और आपको मैं बता दूं कि पटना हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा। वाकई में अब देखना होगा कि बिहार सरकार क्या कुछ कहती है, क्यों नहीं गिरफ्तारी अभी तक हुई है मंजू वर्मा की। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।